जी हाँ दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि आप सभी के बीच में अब जल्द ही रिलीज होने वाला है अपने हिट मशीन का एक धमाकेदार सॉन्ग, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके साथ ही बताएंगे कि छठ पूजा पर अपनी हिट मशीन ने क्या धमाल मचा रखा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी हैं हिट मशीन खेसारी लाल यादव के फैन, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अखिलेश कश्यप जी का लिखा हुआ एक धमाकेदार सॉन्ग आने वाला है अपनी हिट मशीन की आवाज में। और इसके बारे में अखिलेश कश्यप जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके बताया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि छठ पूजा के दिन खेसारी लाल यादव के फैंस ने कमाल कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सपना चौहान और खेसारी लाल यादव का गाना चला गंगा किनारे, ये गाना छठ पूजा के दिन इतना ज्यादा बजा है कि फाइनली ये गाना एक नंबर पर आ चुका है यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में। और गाने पर 70 लाख से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस साल छठ पर खेसारी लाल यादव का गाना सबसे ज्यादा बजाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कोमल सिंह का एक नया गाना रिलीज हुआ है, जिस गाने के बोल हैं प्रशासन, और ये गाना काफी जबरदस्त है, जिस गाने में उनके साथ टुनटुन यादव दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 21 नवंबर को सुबह 6 बजे आ रहा है नीलकमल सिंह का एक नया गाना, जिसके बोल हैं दर्द वा हल्के हल्के। और इसके साथ ही बहुत जल्द आ रहा है एक्ट्रेस रानी का एक और नया गाना ओढ़निया फ्री में रितेश पांडे के साथ। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।